नमस्कार टुडेज बिग न्यूज को स्वागत करुच्छे मुस्तांशु। मार्च रु असह्य हेलाणी खरार प्रकोप राज्य में कलबल करुच्छे ताति। चलित बर्ष प्रथम थर 40 छुईची तापमात्रा। जो देखिबा शुक्रवार पांचोटी सहर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रेकर्ड करा जायतिबा बेले आगामी दुई दिन मध्यरे तापमात्रा आहुरी बढ़िबार संभावना रहिछि। शुक्रवार बलांगीर टिटलागढ़ बौद्ध एवं नयागढ़ सहर रे 40 छुईची तापमात्रा। भुवनेश्वर और कटक भली उपकूलवर्ती सहर तापमात्रा 37 डिग्री उपरे रहुछि। तेबे ताती सांग को गुळगुळी जनजीवन को अस्तव्यस्त करि पकाइछि। केवल दिन नुहे राति रे मध्य स्वाभाविक ठारु 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइछि। आसंता 5 दिन मध्य रे राज्य रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 2 रु 4 डिग्री जाय अधिक रहिबो बोली आकलन करा जाउछि। विशेष करी पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा 42 डिग्री छुईबार संभावना रहिछि। एसबु कु नै आज आमे टुडेज बिग न्यूज रे नजर पकाइबा। 40 छुईला पारद। जळुचि आभ्यंतरीण ओडिशा उपकूळरे कलबल करुचि ग्रीष्म प्रवाह। पांचे सहररे तापमात्रा छुईला 40 डिग्री। दुई दिन रे आउ 2 डिग्री बढ़िबा आशंका। पांच दिन पर्यंत ताती ओ गुळगुळीरु नाही निस्तार। दिन 10टारु 3टा पिक आवर घोषणा। शिशु वयस्क एवं रोगी को खरा को न बाहरिबा को परामर्श। राज्यरे टाणो खरा आरंभ होइथिबा बेले उपकूळरे ताती सह गुळगुळी करुछि कलबल। स्वाभाविक ठारु 3 रु 4 डिग्री उपरे रहुछि पारा। आसंता 5 दिन पर्यंत तातीरु निस्तार मिलिबो नाही। दिन 10टारु 3टा पर्यंत पिक आवर घोषणा करिछि पाणिपाग केन्द्र। शिशु वयस्क एवं रोगी को खरा संस्पर्शरे न आसिबाकु परामर्श दिया जाइछि। सारा राज्यरे एबे उपर मुहा होइछि पारद। उपकूल एवं आभ्यंतरीण ओडिशा रे देखा देछि हीट वेदर कंडीशन। गत 3 दिन हेब राज्य रे क्रमागत भाबे तापमात्रा वृद्धि पाउछि। पहिली चैत्ररु राज्यर तापमात्रा 40 छुईछि। गोटिए दिन रे एकाबेले 5टी सहर रे तापमात्रा 40 डिग्री छुईथिबा बैशाखरे ताती आहुरी बढ़िबा नै आकलन करा जाउछि। फळरे राज्यवासी एप्रिल मासरे ताती ओ गुळगुळी रे सिझिबा आशंका सृष्टि होइछि। शुक्रवार टिटलागढ़ बलांगीर बौद्ध भवानीपाटना और नयागढ़ सहर तापमात्रा 40 रे पहुंची। अन्यपटे आसंता 48 घंटा मध्य राज्य में आहुरी 2 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि नहीं पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। एथिपाई आगामी 4 रु 5 दिन पर्यंत राज्य में ताती और गुळगुळी जनित स्थिति जारी रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार राज्यर आभ्यंतरीण ओडिशार एकाधिक स्थान रे तापमात्रा 38 रु 40 डिग्री और उपकूल ओडिशार तापमात्रा 36 रु 38 डिग्री मध्य रहिबार संभावना रहिछि। सेहिपरि तापमात्रा सहित उपकूल ओडिशार 50 रु 70 प्रतिशत आर्द्रता रहिबा सह आभ्यंतरीण ओडिशार 30 रु 50 प्रतिशत मध्य रहिबार संभावना रहिछि। तेणु ताती और गुळगुळी रे लोके असहज अनुभव करिबार आशंका रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखि सकाळ 10टारु अपराह्न 3टा मध्यरे बाहरकु बाहरुथिले आवश्यकय पदक्षेप ग्रहण करिबा पई पाणीपाग केन्द्र परामर्श देछि। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहिछन्ति जे सारा राज्यरे ताती आहुरी बढ़िबो। शनिवार ठारु भुवनेश्वर समेत समग्र उपकूळरे तापमात्रा बढ़िबो। संभवतः एप्रिल 1 तारिखरे भुवनेश्वरे तापमात्रा 40 डिग्री अतिक्रम करिपारे। शुक्रवार चांदवाली रे तापमात्रा 38.6 डिग्री, कटक रे 37.5 डिग्री, भुवनेश्वर रे 37.4 डिग्री, अनुगुल रे 39.1 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 39.1 डिग्री, सुंदरगढ़ रे तापमात्रा 38.2 डिग्री, तालचेर रे 39.8 डिग्री, फुलबाणी रे 39.2 डिग्री, सोनपुर रे 38.6 डिग्री ओ रायगड़ार तापमात्रा 38.4 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। सेपटे ओडिशा रे गोटे घूर्णीबलय सक्रिय रहिछि जहार प्रभाव रे उत्तर ओडिशार किछि जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुका वर्षा हेबार संभावना रहिछि। ब्युरो रिपोर्ट एमबीसी टीवी। जो हिसाब रे ताती बढ़ुछि 40 डिग्री एथरकर आमे जदि देखिबा मार्च मास रे
शुक्रवार दिन प्रथम कर 40 डिग्री छुईची पांच सहर रे तापमात्रा एवं आगामी दिने दुई दिन मध्य ये तापमात्रा आहुरी वृद्धि पाइबो बोली पानीपाग विशेषज्ञ माने आकलन करुछंती। तबे जो स्थिति वर्तमान सामना को आसी जो हिसाब रे खरार ताती बढ़ुची ए विषय रे अधिक नजर पकेबा मो सहित स्टूडियो अछंती परिवेशविद डॉक्टर अजय कुमार पात्र अछंती आम सहित श्रीयुक्त अजय पात्र। देखिबा जो हिसाब रे मार्च मास आम कह जाए पणा संक्रांति बेलू पणा बेलू एप्रिल मास मझी भाग रे खरार ताप अधिक बढ़ी था किंतु वर्तमान आम जहाँ देखुचे मार्च मासरु ओडिशार पांचोटी जगार 40 डिग्री छुई सारे तापमात्रा एवं जहाँ पाणीपाग विशेषज्ञ मान कहवा कथा हूँ आगामी दिने दुई दिन मध्य यही तापमात्रा 42 डिग्री छुईवाक जाऊँ। तेरे गोटे समय थी कि पणा संक्रांति एवं से ही समय एप्रिल मास बेलू तातीटा बढ़ी था किंतु वर्तमान मार्च मासरे ये स्थिति को आज आम अनुभव कर देखा बाध्य होचे यार कारण आम कौन कही पार। हाँ यह निश्चय गोटे वर्तमान आम सम्मुखें जटिल प्रश्न। हाँ साधारण आम जानी जे ताप कौन ताप है जहाँ कहते इंटेनसीटी ऑफ हीट जेटा कौन आम गरम जदि स्वाभाविक मात्रु जदि अधिक गरम हो जाए ताको आम गरम कही था गरमटा कहीं हुए आम जाणी रखा उचित जो आज जो सूर्य किरण अति प्रखर है मन रखु जो सूर्य ठूँ किरण आसूँ क्या यूवी रेडिएशन एवं यूवी रेडिएशन जो सूर्य किरण ताजु आम के गरम अनुभव करूना आम गरम अनुभव किमी करूँ ना जिते बी सूर्य किरण पृथ्वी पृष्ठ से पड़े पाणी बाटी बा गछपत्र पड़े बा घर द्वार पड़े तार जो तीन प्रक्रिया प्रणाली जो विचुड़ित हुए बा किरण प्रतिफलित तो हुए से आम गरम अनुभव करूँ अर्थात प्रतिफलन जेटा को रिफ्लेक्शन कह जाए प्रतिसरण जेटा पानी रु रिफ्लेक्शन हुए आछुड़ जेटा कि धूल मटी पत्र एथुर विचुड़ित हुए यही तीन प्राणी में आम ताप अनुभव करूँ सूर्य किरण रु आम ताप अनुभव करूना से कहुए जे हायर वी गो सूर्यंकर जो यूवी रेडिएशन से आम ताती अनुभव करबा कथा नुह वर्तमान समय एते मात्रा तातीर मुख्य कारण कौन ताहले। हाँ तार मुख्य कारण है जो यूवी रेडिएशन पड़ा तीन प्रकार वे जेटा कहली तीन टी प्रणाली रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड स्केटर्ड रेज से कौन कह जाए इन्फ्रारेड रेडिएशन कह जाए यूवी रेडिएशन कह जाए यूवी रेडिएशन टा रूपांतरित हो जाए इन्फ्रारेड रेडिएशन इन्फ्रारेड रेडिएशन टा गरम सृष्टि करे ताप मात्रा बढ़ाए जदि ये इन्फ्रारेड रेडिएशन टा मुकुलित आकाश बा आकाश जदि खुला थिबो बा स्वच्छ थिबो ताले से ऊपर को जीव ऊपर को जाई के अनना हमको एत्ते गरम अनुभव करि पारिबा नै करिबा नै किंतु आजर जो किछि वर्ष हैला जो अत्यंत असहायिक गरम अनुभव करछु तार कारण है कोन ना आमर जो ये इन्फ्रारेड रेडिएशन रास्ता को आम रुकी देछु आम साधारण कौन कहूँ ना विश्व तापमात्रा बढ़ीगला एवं आम कौ जलवायुर परिवर्तन घटी घोर परिवर्तन घटी विश्व तापमात्रा बढ़ी जाऊँगी तो यही सब कहीक विश्व तापमात्रा उपर दोष दे बा जलवायुर परिवर्तन उपर दोष दे आम सरकार आम लोक भारतीय माने ओडिशावासी तो विश्व तापमात्रा बढ़ीगला एम सरकार कौन हाथ अच्छी विश्ववासी जो जलवायु परिवर्तन कथा हो विश्व तापमात्रा को जो आम दायी करी एभली स्थिति को सामना करुचे कि आज जो ताती को आम सामना करुचे जो अनुभव करुचे ये जलवायु परिवर्तन एवं विश्व तापमात्रा दायी बोली कहवा ठीक नु आपण हिसाब से जो इन्फ्रारेड रेडिएशन टा बाहर ताहा ऊपर को आकाश को जाई पारु नै जहाँ फल आम एठी रही जाऊँ ये रेडिएशन टा जहाँ फल आम ताती अनुभव करुचे आगुरी भी ये इन्फ्रारेड रेडिएशन टा बाहर कि आकाश को चली जाऊ कि वर्तमान समय तो आकाश को जाई पारु नै आम चारिपाखे रोचे जो आम अधिक गरम अनुभव करुचे यार मुख्य कारण कौन कहीं जाई पारुने समस्या कौटी रोच। हाँ तेणु मु कह विश्व तापमात्रा को संपूर्ण दोष दि जाए पारना जदि 30% विश्व तापमात्रा दोष रोचे योगदान रोचे कि 70% हूँ आंचलिक तापमात्रा आम जो आज गरम अनुभव कर आंचलिक तापमात्रा तार मुख्य कारण है जिते यही इन्फ्रारेड रेडिएशन टा आकाश को जाऊँ जेहेतु आमर मनुष्यकृत प्रदूषण जो वृक्षलता ह्रास पाइबा माटी धूसर हो पुष्करणी ह्रद नदी समुद्र अगभीर हो
एवं जो जल पुष्करणी रही जल जो ग्रहण करवा अंगारकाम को ग्रहण कर शक्ति तार ह्रास पाइबा जो यहाँ घटू तेणु जिनसा हूँ से जिनस आज आस्ते आस्ते दुर्बल हो जाए तार कारण है मुझे देखो आमर वृक्षलता जितक 33% वृक्षलता आच्छादित ही रहा कथा पृथ्वी पृष्ठ में okay. सब अंचल कि वृक्षलता ह्रास पाई जो अंगारकाम निर्गम गोटे उदाहरण मुझे दौर आपको देखते किमी होता बढ़ुच्च किमी जो कलकारखाना जो बाहर फ्यूज जेटा कौचु बा दूषित वायु बा दूषित बाष्प बाहर से रोचे तीन प्रकार दूषित बाष्प गोटे कौन कक्स ऑक्साइड सो कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड कौचु कार्बन मोनोऑक्साइड कौचु सॉक्स ऑक्साइड सल्फर और नॉक्स ऑक्साइड नाइट्रोजन यनिटा गैस बाहर गोटे साधारण उदाहरण दौर सब तेनाली गैस जैसे आकाश को ऊपर को चली खोला ये चली जो चिमिनी बहुत उच्च होती चली हे तो आम एत गरम अनुभव करना कि जेहेतु से यही जो दूषित गैस गुड़ाक ऊपर को जा सांगे सांगे कौन हो वायुमंडल जो जलीय कणा रही फग बा कुहड़ी हो जो जलीय कणा रही संस्पर्श आसी से गोटे दूषित पदार्थ विराट दूषित पदार्थ सृष्टि करुच्छे जार नाम हो स्मॉग स्मोक अर्थ है कौन ना ये हूँ आकाश जो मानने कलकारखाना बेसी अच्छी साधारण आम राउरकेल तालचेर कहवा जो कलकारखाना बेस अच्छे साधारण मान सीधा सड़क उपलब्धि कराईपे और ये स्मोक खाली छोट नुए पहाड़ पार किलोमीटर किलोमीटर आकाश को आच्छादित करे यार गोटे गुण है कौन ना ये सूर्यर यूवी रेडिएशन को प्रवेश करने पृथ्वी को अति सहज छाड़ी दिए द्वार उन्मुक्त कर दिए यूवी रेडिएशन खुला मन में पृथ्वी पृष्ठ को आसे किंतु जिते बड़े यू इनफ्रारेड जहाँ कि प्रकृत गरम जहाँ जो आम गरम से छाड़े ना जहाद्वारा कौन होना से जो गरम बाष्पटा आम पृथ्वी पृष्ठ रही जाए आम पृथ्वी पृष्ठ तीनो मुख्य लेयर है गोटे एटमोस्फेयर आ गोटे ट्रोपोस्फेयर आ गोटे ओजोनोस्फेयर आउ गए अच्छे अवश्य आयोनोस्फेयर कि आम तीन टा को बेसी ये करूँ तेणु ये घटू जो गुड़ा रोचे साधारण एटमोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर जेटा कि 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर रही जा तो सीटा नजा द्वारा आम गरम गरम अनुभव कर द्वितीय कह आप जो जो मुख्य प्रश्न कले आज कहीं घटू आज कहीं घटू देखो मेनली आगे देखी आसते बेसिकली एप्रिल मस पणा संक्रांति बेलू आम गरम टा अनुभव करुले से समय ताति बढ़ुला और पणा संक्रांति बेले गोटे आम स्वाभाविक भाव देखुल कि गरम से ही समय बेस अनुभव हुए कि बर्तमान मार्च मसूर आम एभली स्थित को देखिले हाँ आप जो कहे ये एकदम विज्ञानसम्मत जोटा कि पणा संक्रांति आम साधारण गरम अनुभव करूँ ये मार्च मस गरम अनुभव कर अर्थ हूँ जिते बहुत सीजनल बेसी जोटा कि ऋतु पर्यायर घटाए कि ऋतु पर्यायर जो व्यतिक्रम घटू कहीं घटू ना प्रकृति पर आम बार बार आघात दे चलते विभिन्न वे उपाय आम कौन करना कंक्रीट जंगल सृष्टि कर दूचु रास्ता कंक्रीट रास्ता घाट हो जाऊँ कि देखते जंगल ध्वंस लैंड रिक्लेमेशन हो ये फॉरेस्ट फायर हो जाऊँगी विभिन्न कारण आम कौन कर पेस्टिसाइड पॉलीथीन प्लास्टिक ये समस्त टिके टिके मिसिकी ये गुड़ाक ताप को बढ़ाई था सब जिनस आम निश्वास प्रश्वास बाहर अंगारकाम किए नियंत्रित करे नियंत्रित कर शक्ति कहार अच्छी ना वृक्षलतार अच्छी ग्लूमर अच्छी घासर अच्छी पानीर अच्छी मृत्तिकार अच्छी एवं आउ कौन अच्छी कहार अच्छे ना जो वायुमंडल जेटा अच्छे वायुमंडल खुला वायुमंडल ताको नियंत्रित करें कि मैंने आजिकल कौन होना आस्ते आस्ते दुर्बल हो पड़ते कहीं आम तो कही सारे सार कही सारे गच वृक्षलता ह्रास पाई 33% मनुष्यकृत प्रदूषण जो आज आम एभली स्थितर सम्मुखीन होगा कहते आउ गोटे कथा आप कहे जो इनफ्रारेड रेडिएशन और यूवी रेडिएशन वास्तव स्थित यूवी रेडिएशन रेते रोचे प्रभाव आज दिन ना इनफ्रारेड रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन कौन से मूल्य रोना ना यू अत्यंत भल प्रश्न यूवी रेडिएशन भूमिका रोचे कहीं कहूँ देखो आमर जो आकाश रही है पृथ्वी रही है गोटे ओजन स्तर रही ओजन O3 जेटा कि आम कौ O3 ओजन लेयर ओजन स्फेयर रही है कि मेजोस्फेयर कह जाए ओजन स्फेयर से ओजन कार्य ओजन जो पृथ्वी पृष्ठ थाए आम पाखे थाए से अत्यंत अत्यंत क्षतिकारक गैस ओजन अत्यंत क्षति चाषपाई विशेष चाषपाई अत्यंत क्षतिकारक कि जैसे सी ऊपर को चली जाए जैसे ओजन स्तर से प्रवेश डॉक्टर पात्र अटकाय चाहिए से यूवी रेडिएशन पर अधिक आलोचना करवा कि बर्तमान मोस्त अच्छा प्रतिनिधि बलांगीर नारायण साहू मोस्त अच्छा नारायण देखा बलांगीर जिलार जो स्थिति अच्छी शुक्रवार दिन 40 डिग्री तापमात्रा छुई बलांगीर टीटलागढ़
वर्तमान सेती स्थिति कौन अच्छी एवं जिला प्रशासन ताती को आखि आगे रखी जेहेतु पाणीपाग विशेषज्ञ मैंने आकलन करुछंती आगामी दिने दुई दिन मध्य हुए तो 42 डिग्री मध्य छुई पारे तापमात्रा पश्चिम ओडिशा रे तेणु यह दृष्टि रखी किभली भाव में जिला प्रशासन पदक्षेप नहीं लोक मान सचेतन करा जाउछि ए क्षेत्र रे टीटलागढ़ अंचल देखो आम निश्चित भाव कही कौटी ना कौटी जिले में गोटे प्रकार तापमात्रा दिन को दिन वृद्धि पाता बेले आम सहित स्थानीय लोक अच्छा तापमात्रा एत हो लोक खोल बुलूचारा जेहेतु बहुत संख्या जेहेतु बलांगीर जिले में अनुभूत होती कौटी ना कौटी लोक ताप को नियंत्रण कर पार ना जहाँ फल से कौटी ना कौटी अनेक असुविधा होता जहाँ कहते आम सहित स्थानीय लोक अच्छा सीधा सड़क क्या कण करा आज प्रबल खरा हो आरो टाइम लाइन कार्य रही नहीं घर जहाँ फल फटाके बाहरी आस गुंड रहा पड़े बहुत असुविधा होती प्रचल प्रबल खरा होता है अच्छा क्या कण कौन खराब लगे क्या व्यवस्था कर आरो लाइन भी बहुत असुविधा हो छ बजे काटि दौ नौ दस बजे आर सन्ध्या चार बजे पांच बजे काट फिर रात नौ बजे आ हाँ देखो निश्चित भाव कौटी ना कौटी आप देखी पार्टी स्थानीय लोक मैंने अच्छा देखो से खोल अच्छा जेहतु अंचल कौटी ना कौटी प्रबल खरा रही से विभिन्न असुविधा होता बेले सहित घन घन पावर कट कौटी ना कौटी लोक मन आहरी असंतोष होती है देखो बर्तमान बादलटा बाजी कि गाँ पूरा सुनसान हो जाए लोके जरूरी कम ना पदा को बाहर नापम्रा एत बढ़ी कौटी ना कौटी सहर गुड़िक नारायण जिला प्रशासन तरफ रु कौन सब पदक्षेप आरंभ कर हाँ देखो आम निश्चित भाव देखो जेहतु बलांगीर जिले में पूर्व वर्ष बोली जेहतु जो मार्च मस आगमन होते पूर्व से पानी सतर व्यवस्था करतमान सुधा जिला प्रशासन पक्षर केवल एक बैठक बसी ग्रीष्म ऋतु को भाव में मुकबिला कर जिला प्रशासन केवल बैठक बसी कि बर्तमान सुधा ग्रामांचल गुड़िकर कि सहरांचल जो पानी सतर व्यवस्था कराए बर्तमान सुधा कर बेले अंपटे जिलार ग्रामांचल सहरांचल में घन घन पावर लोक आहरी सांघातिक परिस्थिति पकड़ी जेहेतु चलित पूर्व वर्ष अपेक्षा मार्च मसने कौटी ना कौटी ग्रामांचल सहरांचल विभिन्न स्थान में विभिन्न अनुष्ठान एवं सरकारी स्तर में कौटी ना कौटी जल सतर व्यवस्था करते चलित बर्ष कौन मत जल सतर व्यवस्था करम सहित जन वयस्क व्यक्ति अच्छा आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना के खड़ा होबा के खड़ा शुक्रवार दिन स्वतंत्र रिलीफ कमिशन रे नहीं की बैठक करथिले एवं बैठक रे किबले हाबरे लोकमानंकर सुविधा पाई एवं किबले हाबरे समस्त प्रकार सुविधा जोगाई देबे जिला प्रशासन से नहीं मध्य निर्देश दिए आशा करबा जेतु खरा ताती हठात 40 डिग्री छुईची वर्तमान समय रे पांचोटी शहर रे आशा करबा जिला प्रशासन एक क्षेत्र में तुरंत पदक्षेप ग्रहण कर लोक सचेतन कर एक क्षेत्र में कि लोके दिन समय जो समय अधिक ताती रोच घर न बाहर धन्यवाद देवी नारायण आप सूचना नारायण साहू मोस्त थे बलांगीर जिला प्रतिनिधि मुझे फेरी मोस्त अच्छा डॉक्टर अजय पात्र अच्छा परिवेश डॉक्टर पात्र जो कथा आलोचना करते यूवी रेडिएशन कथा आलोचना करते इन्फ्रारेड रेडिएशन कथा आलोचना करते वास्तव में ये जो यूवी रेडिएशन कथा मुझे ये उठाऊँ कि खरा को दृष्टि रखी यही समय लोक मैंने जो चश्मा प्राय व्यवहार करती
ବା ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ବାଲା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ସେଭଳି ଗ୍ଲାସ୍ ବା ସେଭଳି ଚଷମାକୁ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ କହିଲେଣି, ୟା ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆମେ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛେ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ଲାସ୍ ବାଲା। ହଁ, ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ସେ ଟିକେ କହିଦେଉ, ଯେଉଁ ଓଜନ ସ୍ତର ଯେଟା ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ଓଜନ ସ୍ତରରେ ଆଜିକାଲି ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବା ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ଓଜନ ସ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକାଶ ଭଳି ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଯେମିତି ଛତା ଭଳି ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି। ଛତା ଯେମିତି ଆମକୁ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସେମିତି ଓଜନ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଛତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବା ତା ଦେହରୁ ହଲ୍ ବା କଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ସେଇ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚଷମା କଥା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, ଯେଉଁ ନୀଳ ଚଷମା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଟାକି ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଆଖିକି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଚଷମା କିଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ କହିଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ଏ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଆଉ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଫରକ ଏବଂ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି? ହଁ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଚଷମା ଉପରେ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ଆସେ ଆଗେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୁଁ କହିଛି ନା ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ମାଟିରେ ପଡ଼ୁଛି, ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଗଛ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ତିନି ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚଷମା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଚଷମା ତ ପ୍ଲେନ୍ରେ ସେଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ଗରମଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଲେଖିବାରେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଗରମ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ଚଷମା ଉପରେ ଯେଉଁ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ ପଡ଼ିଲା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଯେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ୟୁଭି ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ୟୁଭି ଚଷମାର କାପାସିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଗରମ ବାଷ୍ପଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରିକେଟର୍ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍, କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଗରମଟାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେବେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ବା କଳା ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରେ, କଳାର କାମ ହେଲା କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରେ। ହିସାବରେ ୟୁଭି ରେଡିଏସନ୍ଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଁ ସାର୍, ଓକେ, ଏ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବା ସେଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଖିରେ ଯେଟା ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ସେଟା, ହ୍ୟାଲୋ ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ସେଟା, ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାରୀ, କାହିଁକି ସେଟା ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଲା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ଟା ବା ଗରମ ବାଷ୍ପଟା ଚାଲିଗଲା ଦୂରକୁ, ତେଣୁ ଆଖିଟା ଆମର ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ଟା ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ତାର ମାତ୍ରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କାହିଁକି ହେଲା ନା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇଗଲା, ଋତୁର ଡେଭିଏସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଡେଭିଏସନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ତା ନିଜ ସ୍ଥଳରୁ ବା ନିଜ ସମୟରୁ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ମୁଁ ସେ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମହେଶ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାତି ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି ତାପମାତ୍ରା, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ତାତିକୁ ନେଇ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଦୂର ସଜାଗ ହେଲାଣି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ? ନିହାତି ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲିର ଯଦି କହିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା, 5ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି, ଏବଂ ଆଜିର ଯଦି କଥା କହିବା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି, ନୟାଗଡ଼ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କହିବା 11ଟା ପର ସମୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସହରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ 11ଟା ପରଠାରୁ ଆଉ ଲୋକେ କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲାଣି ନା ଲୋକମାନେ ଏଇ ତାତିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 7 ଦିନ ଧରି ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ତେଣୁ
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜନସାଧାରଣ 11ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଲାବିକାଳି କଥା କହିବା ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହଟା ବହୁତ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। निश्चित भाव आशा मध्य करिबा लोकमाने निज तरफ सचेतन हुवंतु जदियो जिला प्रशासन तांकर कार्य आरंभ करिबे कारण हठात जेहेतु मार्च मासरे 40 डिग्री छुंच तापमात्रा निश्चित भाव सेपटे स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर मध्य निर्देश दे सारे जिला गुड़ी को किक भाव में यह तातिर सम्मुखीन होगापी ताति मुकुलवाई कि भाव में व्यवस्था ग्रहण करने कथा जिला प्रशासन से दिगरे निर्देशनामा जारी हो सारा लगुच्छे आगामी दिन दुई दिन मध्य तार प्रतिफलन विभिन्न जिले में मध्य देखा मिले। धन्यवाद देवी महेश आपंकर सूचना महेश मिश्रा मो सहित थे नयागढ़ जहाँ कह कथा होन चारिदिन है पाखापाखि सात दिन है तातिर अनुभव अधिक मात्र हो प्रायतः 40 डिग्री रोचे तापमात्रा नयागढ़ जिले में लोक मैंने प्रायत स्वतप्रवृत्त भाव घर बाहर नहांती 11टा पर कारण जो हिसाब से ताति वृद्धि पाँच मुझे फिर भी मोस्त अच्छा डॉक्टर अजय पात्र अच्छा परिवेश भी डॉक्टर पात्र जो तुम्हें कहते इनफ्रारेड रेडिएशन से आम कि मुकुल पारा हाँ से मुकुलवाक आमको प्रथम कौन करा पड़ा यार जो नियंत्रण कैपासीटा को बढ़ावे पड़ो नियंत्रण कैपासीटी केमी बढ़ेगा ना आम साधारण रास्ता कड़े वृक्षलता लगे तार सेवा शुश्रूषा कर बड़ कर द्वितीय हूँ पुष्करणी की पुष्करणी जल भल कर पंक उद्धार करवा से छाड़ा जो पुष्करणी में मछ थ निश्चित भाव से परेश सुस्थ सबल रहा हूँ कौन ना अंगारकाम को द्रवीभूत कर पाणीर बहुत भूमिका रही वृक्षलता पर अंगारकाम को द्रवीभूत कर शक्ति हूँ पाणीर तेनाते पा आम पाखे थी जेटा कह आम कह वाटर हार्नेसिंग प्रोसेस जैसे कहे वर्षा पा को संग्रहित कर रखा विभिन्न वे कहीं वर्षा पा को आम सीधा सड़क नदी बा समुद्र मध्यम सगर को नदी नदी केनाल मध्यम समुद्र को जीवा को देवा ना कहीं से वर्षा पा को आम गच्छित कर रखा निज बाड़ी बगिचा रखु कूँ मध्यम रखु तल करूँ जहाद्वर कि आम भूतल पा जेटा रही तार स्तर बढ़ेगा जब भूतल भूतल पा बढ़े इनफ्रारेड रेडिएशन को आम अनेक मात्रा कमी पारा निश्चित आउ गोटे रिपोर्ट दुई तीन दिन तले आसी आम रिपोर्ट देखल कि पूरी जिलार गोटे तथ्य आसला जल संकट जो माटी तले जी पा रहा कथा वर्तमान ना जहाँ रिपोर्ट आसी वाटर बोर्ड रु कि धीरे धीरे पानी जो लेवल था स्तर था आहरी तल को खसी गला एटा गोटे कारण हो पारे कि आप भावुं इनफ्रारेड रेडिएशन वृद्धि निश्चित भाव कहीं जो माटी भूतल जलस्तर कमी जाऊँगी तेनाली जो माटीटा उपर रहा सी कौन होना पानी अभाव से निर्जीव हो जाए जेटा कि आम कहे धूसर माटी जाऊँगी माटीटा के भल जेटा कि उपकारी माटी जेटा कौन जेटा कि मूल्यवान माटी जेटा कि गछपत्र बढ़े साहय कै तार अर्थ है कौन ना से लुमी जेटा कि बेसी बाली ही नथिबो कि बेसी पंकुआ ही नथिबो जेटा कहूँ आम लुमी माटी से माटी जेटा को ह्यूमस कह जाए से ह्यूमस सृष्टि करे किए ना दुई प्रकार बीजाणु अच्छा जेटा कि कह जाए ट्रांसफर्मर आ गोटे डिकम्पोजर डिकम्पोजर देखते जिते सब जी मरुँचा डिकम्पोजर कौन करें मैं सिंप्लीफाई कैं डिकम्पोजर पर ट्रांसफर्मर कै कौन ना ह्यूमस परिणत कै ह्यूमस सल्फेट परिणत कर ह्यूमस परिणत कै तेनाली जो माइक्रो अर्गानिक जीवी गुड़ा वंश मध्य धीरे धीरे धूसर मटी ध्वंस हो जाए आपने मन रखु यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेटा कि कहते डिकम्पोजर एंड ट्रांसफर्मर पृथ्वी को धरी रखते पृथ्वी को से धरी रखते बचे रखते मटी तले जो जल स्तर अच्छी ताकि धीरे धीरे तलू खस इनफ्रारेड बा रेडिएशन वृद्धि घटे जहाँ फल अधिक रू अधिक ताति अनुभव कर जो समय आम ताति अनुभव कर आकलन करते तार बहु पूर्व ताति आम अनुभव करुचे वर्तमान समय मु फेर आपको वर्तमान मो सहित अच्छा आदित्य साहू आम सहित अच्छा नवरंगपुर जिला प्रतिनिधि आम सहित आदित्य देखा जो हिसाब से हठात 40 डिग्री छुईला नवरंगपुर जिलार तापमात्रा यहाँ दृष्टि रखी जिला प्रशासन वर्तमान समय कौन पदक्षेप नेबार आपड़ देखा पाँच नवरंगपुर जिले देखु सुधांशु जे नवरंगपुर जिले में बर्तमान ताति दिन कु दिन बढ़िवार लगी जहाँफल कि कह नवरंगपुर जो भीषण ताति बढ़ुचार जो जिला प्रशासन पक्षर बर्तमान जलर छत्र छाया यठार करना
किंबा नवरंगपुर सहर आम बर्तमान नुआ बस स्टैंड पाखे अच्छा जोटा कि पौरपालिका अधीन अच्छी किंतु पौरपालिका पक्षर मैं किसी छत्रछाया करा जाए ना अंपटे जदि आम कह दिन को दिन जिते कि ताती एठारे बढ़ुची 38-40 डिग्री एठारे छुईवा लगी जहाँ फल गुड़गुड़िया हवा सहित गरम ताती बहुत जहाँ फल आप देखुए मो पछकानी देखु जो नवरंगपुर सहर जोटा कि जिला सदर महकुमार बर्तमान खाँ खाँ अवस्था यही पड़ रही जहाँ फल लोक मैंने बाहर को बाहर को डर जेहेतु सका 9 सुधा जिते लोक बाहर को बाहर एवं 9-3 पर्यंत जदि आप देखिए तो नवरंगपुर सहर खाँ खाँ पड़ी अंपटे जदि कहम पड़ोसी जिला जोटा कि आम कह भुवनीपाटना कह कि बलांगीर कि टीटलागड़ 40-50 डिग्री तापमात्रा यठार छुई किंतु जदि आम आउ गोटे पटे जिते कह नवरंगपुर सहर तापमात्रा बढ़वार आउ गोटे कारण होची जिते कि नवरंगपुर रास्ता मुख्य रास्ता जिते कि मान प्रसारण करागला से जहा फल कि नवरंगपुर हजार ऊर्ध गछ कटा जा तो लोक मैंने जहाँ एठारे अनुमान कर लोक मैंने आमको जिते अभोग करते जहाँ फल गछ मैंने कटा जाफल नवरंगपुर तापमात्रा दिनक दिन वृद्धि पाँच से भाई जदि आम कह नवरंगपुर सहर जो नवरंगपुर बेहरागुड़ कोसाउंडा पर्यंत पाखापाखि 6000 ऊर्ध गछ कटा जाइए जहाँ फल नवरंगपुर तापमात्रा दिनक दिन वृद्धि पाँच एवं गुड़गुड़िया अवस्था पड़ रही लोक मैंने अस्तव्यस्त हो पड़े सुधांशु निश्चय जो कथा कहते कि रास्तार संप्रसारण अनेक गछ कटा जाफल कि ताती अधिक अनुभव हो नवरंगपुर जिले में निश्चय आम कह भूमि विकास को तो आम प्राथमिकता दौचे कि अधिक रू अधिक भित्तिमि विकास हो लोक गमनागमन क्षेत्र में सुजोग मिलू कि सहित आम जो हिसाब से आलोचना करुच्ची कि तापमात्रा वृद्धि पाँच ये सब कारण जहाँ विशेषज्ञ मत हो मनुष्यकृत प्रदूषण जो आज आम एथितर सम्मुखीन होचे ता सत्वे लोक मैंने स्थानीय लोक मैंने केतेदूर सचेतन अच्छा एभली ताती समय घर न बाहर एवं जो जो जगह काम हो से सब जगह काम बंद करने लोके निज तरफ केतेदूर एथे सचेतन हेले क्षेत्र में देखो सुधांशु जे नवरंगपुर जिले में जितेबाला कि ताती दिनक दिन वृद्धि पाँच तो जिला प्रशासन पक्षर वर्तमान सुधा कौन सी पदक्षेप नि जाए जहाँकि श्रमिक मैंने जदि आम कह जी मैंने कि कम कर तो विगत किसी दिन पूर्वे आम मानने प्रकाश करबर परीक्षण सका 11 ठारू 3 पर्यंत जो लेबर मैंने जो श्रमिक मैंने जो घर कम कर संपूर्ण भाव बंद करने कि नवरंगपुर जिले में जदि आम कह कौन प्रकार काम कर से भाई जो लोक मानकर जरूरी कम अच्छी से बाहर बाहरती से मुंडे अदाकना देना बाहर बाहरती पानी जल पीते किए तो आकपुण पीते किए तो तरबुज खाइबा दृश्य आखि आगे देखा मिलूँ अंपटे जदि आम कह नवरंगपुर जिलावासी अभियोग बर्तमान सुधा जिला प्रशासन पक्षर छत्रछाया करा जाए ना जहाँ फल जल छत्रछाया करने जिला प्रशासन को अभियोग कर निश्चय आम आशा कर आदित्य जेहेतु शुक्रवार हठात तापमात्रा 40 डिग्री छुईची और प्रायत आकलन करप्रिल मसमात्रा वृद्धि पाए कि हठात मार्च मस 40 डिग्री छुईवा निश्चय भाव में जिला प्रशासन आशा करवा स्थित देखला परवर्त पदक्षेप ने परवर्त व्यवस्था ग्रहण करेंगे जिले में लोक मान सुविधापी धन्यवाद देवी आदित्य आपंकर सूचनापी आदित्य साहू आम सहित थे नवरंगपुर जिला प्रतिनिधि कि भाव में जदिव बर्तमान समय ताती को देखी जिला प्रशासन से भाई किसी पदक्षेप ग्रहण करना तथा आशा करवा जेहेतु 40 डिग्री छुईला स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर जरूरी बैठक डाकि बैठक डाक विभिन्न जिला को निर्देशनामा जारी करिछंती किबले भाव में जिला स्तर में लोक मान सुविधापी पदक्षेप ग्रहण कौटी पानीर व्यवस्था कर लोक सचेतन घर न बाहर दिन 11 पर ठार् तेरे आशा करवा लोक स्वतप्रभूत भाव एभली व्यवस्था को मध्य देखुंटे निजे निजे घरे रोचे बेसी खरारे घर बाहर ना आशा करवा जिला प्रशासन ए दिगरे तुरंत पदक्षेप ग्रहण कर डॉक्टर अजय पात्र मोस्त अच्छा परेशविद अच्छा डॉक्टर पात्र जो थे कहते पानीर स्तर दिनक दिन तलू खसी गला कि 2-3 दिन रिपोर्ट प्रकाश पाई खबर प्रसारण करूँ एक क्षेत्र में कि पानीर स्तर कमी कमी जाऊँ मटी तलु तेणु यही गोटे अन्य एक मुख्य कारण हो पाए
हाँ निश्चय ये गोटे मुख्य कारण देखो जो बर्तमान कहीगले बहुत गुड़े वृक्ष कटाई जो वृक्षा काटि दि जाऊँगी विकास काटे निश्चय पड़े अति जरूरी गोटे व्यवस्था थी क्यांपा फंड गोटे थाए कि क्यांपा फंड जो गच कटाला आउ गोटे जगार गच्छ लग जावस्था रही नीति नियम रही कि ठीक भाव में हाँ जो वृक्षटे काटि दि जाऊँगी तेनालीम तो दुई घंटा लगुच वृक्षटा काटि देवाई तार जो मटीटा थी तार मूल जो मटीटा थी दुई इंच तीन इंच मटी थी सी ध्वंस पाईगला तेनाली मटी गुड़ा कौन होता धोई जाइक नाल नर्दमा मध्य पुष्करणी को अगभीर कर नदी को अगभीर कर समुद्र को अगभीर कर जानतु ये दुई इंच मटी को या प्रकृति की 200 वर्ष लगे आमर वैज्ञानिक तथ्यटा है सत्य जे यही दुई इंच देखो मनीष दुई घंटा लगलानी दुई इंच तीन इंच मटी को ध्वंस करने कि दुई इंच तीन इंच मटी को पुणी प्रकृति को ठीक स्तर को आने पर 200 वर्ष लगे प्रकृति 200 वर्ष परिश्रम को मनीष दुई घंटा दरकार मुझे अटकाउ चाहिए आप मो सहित बर्तमान अच्छा पापा विशेषज्ञ शरद चंद्र साहू अच्छा आम सहित फोन लाइन में शरद साहू आपको स्वागत करुच्छे टुडेज बिग न्यूज को बर्तमान जो स्थिति आम अनुभव करुचे हठात शुक्रवार दिन आम देखिले पाखापाखि पांचोटी सहर में तापमात्रा 40 डिग्री एवं आउ किसी जगह 39 डिग्री तापमात्रा आम अनुभव कले भुवनेश्वर कटक 37 डिग्री तापमात्रा छुईला एभली भाव जो स्थिति को आम देखुचे कौन लगुच पाणीपाग स्थिति आगामी समय क्यों दिगक जीव ए तापमात्रा केते हबार आप आकलन कर श्रीक्त साहू रहुतिला बंगोपसागर गुरुचा अत्यंता बहुत दक्षिण रोला दक्षिण आंध्र प्रदेश रोला सी आप तेलंगाना में देखिए मुवमेंट कर आसला तो आप टेम्परेचर बढ़ुला कि आज स्थित अलग अच्छी आज प्राय दक्षिण ओडिशा बा उत्तर आंध्र प्रदेश देखिए आप रोज जो गुरुचाप प्रभावटा से जलवाष्प आसवर संभावना रोचे आम टेम्परेचर भी रईज कर गत काली पर अपेक्षा टेम्परेचर आज प्राय दु डिग्री खंडे कम रोज सब जगह प्रकार स्थिति काली रही संभावना रही एक तारीख एक तारीख को सामान्य बढ़ी पारे कि अत्यधिक बढ़े दुई तारीख रु बढ़ आरंभ कर मडेल जना पड़ी जदि टेम्परेचर मझे मझे बढ़ तार अवधिटा कम रही चार पांच दिन पर पुणी काल वैशाखी प्रभाव रही टेम्परेचर निर्दी कमी ये हठात जलवायु जो परिवर्तन जो तापमात्रा 40 डिग्री छुईला आप कहते बंगोपसागर जो गुरुचाप जो स्थित है हाँ गुरुचाप दक्षिण पश्चिम दिग्वि पवन आसला तेलंगाना दी आसला बर्तमान तेलंगाना और महाराष्ट्र में टेम्परेचर अधिक रोचे जदि गरम जगह आप पवन आसूसी आप एरिया को से गरम ता प्रभाव में भी टेम्परेचर आनंदर 3 डिग्री 4 डिग्री बढ़ी जाऊँगी यार कारण कौन हो पारे कारण आपणकर आकाश मेघमुक्त रोचे आपणकर प्री मनसून सीजन जो ग्रीष्म ऋतु ये सब सूर्य किरण प्रखर थाए जदि तीन चार घंटा भी टेम्पर रही आप कौन जगह सूर्य प्रभाव में टेम्परेचर आप 38-39 डिग्री पड़ो आमर यही एप्रिल मसर आप मे लास्ट विक पर्यंत पश्चिम ओडिशा आभ्यंतर सब स्टेशन नॉर्मल डाटा 40 डिग्री माने से अन्य वर्ष मानक भी 40 डिग्री प्राय टेम्परेचर होता ए वर्ष कथ ना अन्य वर्ष देखिए कारण नॉर्मल डाटा जो या 30 वर्ष डाटा नहीं कराई पांच पांच दिन डाटा नहीं नॉर्मल मार्क रोचे कि 40 डिग्री टेम्परेचर होता किंतु उपकूल पार्टी टेम्परेचर 37 डिग्री रोला नॉर्मल एवं किंतु समय क्रमे भुवनेश्वर कटक टेम्परेचर अधिक रोचे अन्य सहर अपेक्षा यार कारण कौन हो पारे कहीं तापमात्रा बढ़ुच्छे एत मात्र भुवनेश्वर कटक जो उपकूल अंचल कहे समुद्र पाखे आम अच्छे एठारे एते मात्र रे तापमात्रा बढ़िवार कारण कौन अनुमान करुछन्ते आपण अनुमान एक तो वेजिटेशन कमी गला आउ आपणकर शहरीकरण तार गोटे कारण होला शहरीकरण फल आपणकर अधिकांश एरिया कंक्रीट हो गला आउ सूर्य किरण जो पड़ुछि ताको अब्जर्प्शन हो पार नहीं सबुड़ा रिफ्लेक्शन होउछि रिफ्लेक्शन नहीं वायुमंडल पाक जाऊँ नियरेस्ट टू दि सरफेस जहाँ फल टेम्परेचर बढ़िया सपोर्ट करुछि आउ वेजिटेशन आउ वाटर बॉडीज जो आप सतसिया जगह है पोखरी से गुड़ा सब आप घर यादले बिल्डिंग जहाँफल कि वाटर बॉडीज रही वेजिटेशन रही अब्जर्प्शन है सोलार रेडिएशन टा आउ जहाँफल कि रिफ्लेक्शन मात्रा अधिक रहा जोटा को आल्बेड परसेंटेज कहते आउ टेम्परेचर बढ़िया फेवरेबल है तेरे ये जो 40 डिग्री तापमात्रा अच्छी यह जारी रहा ना पुणी काल वैशाखी जदि आप आकलन करशाखी आसला पुणी तापमात्रा कमी संभावना रही दिन आपमान कम रही 30-31 तारीख
ଆଉ 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ଅଧିକ ଜାଗାରେ। 2 ତାରିଖରୁ ପୁଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଯାଇପାରେ। 4-5ରେ ଅଧିକ ତାପମାନ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ଜାଗାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ 42 ଡିଗ୍ରୀ ବି ହେଇପାରେ। धन्यवाद देवी श्रीयुक्त साहू आपंकर सूचना पर आम सहित शरत चंद्र साहू थे पाणीपाग विशेषज्ञ जहाँ कहवा कथा हो बंगोपसगर गुरुचाप जो हठात एभली तापमात्रा वृद्धि पाइला और 40 डिग्री तापमात्रा पहुँचला और जो भुवनेश्वर कटक कथा कहते जो 37 डिग्री 38 डिग्री हो पाखापाखी से जो तापमात्रा बढ़वार कारण हूँ जो मनुष्यकृत प्रदूषण कराती बढ़ुच्छी जहाँकि आगु एते मात्रा जेतु उपकूल ओडिशा कथा में आलोचना करुचे कटक हो भुवनेश्वर हो उपकूल ओडिशा रे एते ताती हुएनि से ताती एथरक आहुरी पाखापाखी 2-3 डिग्री बढ़ी जाइए कारण केवल ये मनुष्यकृत प्रदूषण जो जो रास्ता निर्माण हो गछ काटिबा कथा हो विभिन्न प्रकार जलाशय अभाव जो आज ये स्थिति को सामना करुचे बुझी डॉक्टर अजय पात्र मोस्त अच्छा परिवेश भी डॉक्टर पात्र वास्तव में जो कथा कहते पाणीपाग विशेषज्ञ कि 40 डिग्री हठात किछ दिन कमियो पुणी 1-2 बेलू पुणी 42-43 डिग्री हमारे संभावना अच्छी जो कथा कथा कहले कि बंगोपसगर गुरुचाप जो आज हठात एभली 40 डिग्री तापमात्रा आम अनुभव करने को बाध्य। हाँ शुद्ध जो गुरुचाप अर्थ कौन? हाँ गुरुचाप अर्थ हूँ जिते बड़े वायुमंडल जो स्थल भाग समुद्रकूल उपक मानने कूलवर्ती स्थल भाग में जिते वायुर ताप अत्यंत बढ़ी जाए और सेठी कौन दुईटा जिनस घटे आम जानूँ अम्लजान आमको थंडा दिए अम्लजान आमको जबखान सहित मिसिकी आमको थंडा अनुभूत हो एवं कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल अंगारकाम आमको गरम दौ तो ये दुईटा गैस गोटे दिया टैग अफ वार बिटवीन दि टू गैस ऑक्सीजन एंड अंगारकाम। तो ये कौन हुए ना जिते बड़े ये जो अति उत्ताप उत्तप्त हो गला माटी उत्तप्त हो गला वायुमंडल उत्तप्त हो गला से कौन हुए ना आकाश जो वायुमंडलटा वायुटा से हालुका हो जाए हालुका अर्थ हो कौन ना गोटे शून्यता सृष्टि हुए और से शून्यता सृष्टि होगापर कौन ताकू पूरण करने जेहेतु समुद्र में पा समुद्र पवनटा से कौन बही आसे कहीं शून्यता को पूरण करवाई जमी गड़ाणी रास्ता को पाटा बही आसे पाटा उपर पकड़े गड़ी गड़ी तल को पड़े आसे सेमती जेहेतु समुद्र में पा अच्छी तेणु से आड़ कौन ना पवनटा बही आसे स्थल भाग आड़ को शून्य स्थान पूरण करवाईटा कह जाए आम काल बैशाखी कहूँ जहाद्वारा कि वर्षा हो पाए किसी पवन हो पाए जहाद्वारा कि थंडा कि कहीगले एकदम ठीक कथा थंडा कि कहली अम्लजान और कार्बन डाइऑक्साइड ये टैग ऑफ वार तार अर्थ है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ी जाऊँगी और एब्जर्व करने शक्ति पानी अच्छी मटीर अच्छी वृक्षलतार अच्छी और वायुमंडल वायुर अच्छी से असहाय पड़ते से तार मात्रा बढ़ी जाती कौन करुच्ची ना ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर दूसरी ऑक्सीजन दुई प्रकार डिसोसिएशन होती विषय को जीवी वर्तमान चाहे मोस्त अच्छा राजीव सिंह आम सहित झारसुगुड़ प्रतिनिधि राजीव तो देखा झारसुगुड़ा तापमात्रा 40 डिग्री पाखापाखी थिला शुक्रवार दिन 39 डिग्री ऊपर तापमात्रा थिला झारसुगुड़ा वर्तमान स्थिति कौन झारसुगुड़ा आज 3 सुधा 40 एक्सपेक्टेड अच्छी बर्तमान 36 डिग्री तापमात्रा किंतु झारसुगुड़ा रे ये जो 22-23 वर्षा है 24-25 तारीख पर्यंत पाग बहुत भल था लोक घर कंबल गोरी शोले कि इमिडियेट जो तापमात्रा बढ़ी गला झारसुगुड़ा लोक बहुत हंसशब्द होती आज स्थित जी आम देखा आज खरा प्राय 36 डिग्री पाखापाखि पहुंची सारी जिला म्युनिसिपालिटी सब जगार जलछत्र एथर प्रथम थर पर झारसुगुड़ा गाई गोरु मन भी स्पेशल व्यवस्था कराई जी अच्छा भी पा पीवाई सब जगार गोटे गोटे कुंडटे रखा हो आज जो स्थित रही झारसुगुड़ सबु जगार झारसुगुड़ा तापमात्रा बढ़ी चलती पाखे इंडस्ट्री रही इंडस्ट्री ताती माइन्स रही जिले में माइन्स कोईला जल्वा आरंभ है तेज ए जिला प्रशासन तरफ कौन सब पदक्षेप आरंभ है झारसुगुड़ा सुधांत समस्त समग्र जिले में 168 जगार जलछत्र करिया व्यवस्था है मुझे गोटे जलछत्र देखा ये भाया म्युनिसिपालिटी व्यवस्था करुच्ची जलछत्र सब जगार जलछत्र करोक निर्देश दिखाई कि 12टा सुधा जी कम करवा कथा हार्ड वर्क जो लेबरियस वर्क ताकि बंद करने पुणी 3:30 पर कम गुड़ी को आरंभ करने सांगे जी भी साधारण लोक अच्छा से मैंने 10:30 सुधा चाहूँ कम सारी देते घर को पशिजे 1 तारीख रु सारा राज्य
ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ 1 ତାରିଖରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିବ, 1 ତାରିଖରୁ ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରେ ଆଉ ମାନେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚେମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଏ ଆମେ ରେଡି କରିଦେବୁ ଯୋଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚେମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯୋଉ ଗରମ ଇମିଡିଏଟ୍ ବଢିଛି, ଏ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଗରମ କେମିତି ରହୁଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? बहुत क्या हो रहा था तो फिर भी यहाँ पे आए, पानी बहुत गर्म, इतना ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत प्यास लगा, फिर कहीं नहीं मिला पानी, तो यहाँ पे आके पानी पिए, कुछ भी नहीं डर, फ्री में पानी पिला रहे। नहीं तो इतना जो आप गर्मी में निकले बाहर, क्या जरूरत था निकलने का? थोड़ा काम था सोचते हैं। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଗରମକୁ ନେଇକି ଜଳ ଛତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସୁଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ସିଡିଏମ୍ଓ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ହେଲେଣି କି 11ଟା ପରଠାରୁ ଆଉ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦିନ 3ଟା ବା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ 1 ତାରିଖରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଇଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ପଳେଇ ଆସିବେ। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା 10 ତାରିଖରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିଲା ଇଲେକ୍ସନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଇଏ ତାତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ ଅଛି, 25 ତାରିଖ ନମିନେସନ ହବ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରମକୁ ଦେଖିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସୁଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସକାଳୁ ଆଉ ଅଫିସ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ କମିଯିବ, ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଖରାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁଲାଣି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଶୁକ୍ରବାର 39 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରୁ ବେଶୀ ଖରାରେ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜୀବ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାଜୀବ ସିଂ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସ୍ଥିତି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିସାରିଲାଣି, କାରଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହଠାତ୍ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ପ୍ରକୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଅଜୟ ପାତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଅଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଅଫିସ ହେଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଟିକେ କମିଯିବ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ଏଇଟା, ତେଣୁ ପରିବେଶବିତ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ତାତି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଜଳଛତ୍ର କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ସତର୍କ ହେବା ବା ସଚେତନ ହେବା, ଯେତେ କହୁଛେ SPM ଯେକି ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଡିସିନ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମ୍ଳଜାନ କେମିତି ବଢ଼ିବା? ନା ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢ଼ିପାରିବା, ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା। ସେଇଟା କେମିତି ବଢ଼ାଇବା? ଆମେ ନା ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ କରି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ଜଳ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ କରିବା ବା ନଦୀର ମୁହାଣରେ ଯିବି। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ମୋ ସହିତ। ମହମ୍ମଦ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, 40 ଡିଗ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଛୁଇଁଛି ଭବାନୀପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିର ତାପମାତ୍ରା, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି? ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ,
निश्चित भाव देखते जो कि कलाहांडी जो तापमात्रा रही दिन दुई दिन परे परे आम तापमात्रा देखीचु काली एवं आज तापमात्रा सीधा सलख 40 डिग्री छुई जहाँफल जो लोक मैंने अच्छा असहाय होती लोक मैंने खरार सम्मुखीन होगापर पूरा असुविधार सम्मुखीन सीधा होती आउ प्रशासन पक्षर वर्तमान कहवाक देखिले प्रशासन पक्षर एपर्यंत कौन प्रकार व्यवस्था कराए जहाँकि जो जल छत्र निहाती कलाहांडी जो अनेक थर देखा मिली खरा हेले जो जल छत्र अनेक छक अनेक जगह जो कर प्रशासन कौन प्रकार पदक्षेप ना जो म्युनिसिपालिटी रही म्युनिसिपालिटी पक्षर भी जो जल छत्र कराए से तेज भिरोज देखा जदि कौन व्यक्ति विशेष असुस्थ हो पड़ती हिट वेव कारण 40 डिग्री छुईला हठात कलाहांडी भवानीपाटना अंचल तापमात्रा या दृष्टि रखी जिला मुख्य चिकित्सालय कौन पदक्षेप ग्रहण कर दिग्वे व्यवस्था ग्रहण कर निश्चित भाव में जो आम कह जो कि आम जो मेडिकल कर्तृपक्ष रोचे से सीधा साल मझे किसी दिन तले जो खरा को नहीं से गोटे आलोचना करते जो जो प्राथमिक जो चिकित्सा रही जहाँकि पानी एवं गामछा तापर ता सहित जो छाता धरिकी जो घर बाहर से आलोचना करा को बर्तमान से प्रेसमिट जोगाई थे लोके केते सचेतन हेले कि खरा हेले आमे घरु बाहरिबा नाही खरा कमिले घरु बाहरिबा ए क्षेत्र लोके केते सचेतन अछन्ति निश्चित भाव में देखते जो कि कलाहांडी गोटे जो भवानीपाटना सहर रही है जिला मुख्य लय रही जहाँकि अनेक गाँ पंचायत रु लोक मैंने जिला को आसक कम जो आम देखा जो दिन बारटा जो एवं बर्तमान आम रास्ता अच्छा खरा हो किंतु लोक मैंने जावासवा कर दरकार पड़ी से रास्तार आसुंच गाँव रु सीधा सहर को आसुना आउ जो रही लोक मान सचेतनता से सचेतनता से गामछा ता सहित पानी ता सहित से हेलमेट पिंधिक आम सहित आउ जे अच्छा जो भवानीपाटना नागरिक सीधा सल कथ सर खरा जो हूँ खरा को कौन आपरी कर खराब आज्ञा एथर आम कलाहांडी भवानीपाटनार खरा बहुत बढ़ी जाइए तो हेतकी दूर नहीं हबार कथा जेन हिसाब से 39-40 डिग्री डेगी देलाना लोग हैरान हो आर जेन हिसाब से एतकी टाइम रे आमर प्रशासन बा म्युनिसिपालिटी तरफ नु जेन जल छत्र मैंने खुलवार कथा छक छक ना एवं तक आम भवानीपाटनार के जल छत्र ना खुजवार बाकी समस्ते कलाहांडी जिते भी लोग अच्छा भवानीपाटना सब डिविजन समस्ते डिपेंडेंट अच्छे आ समस्त भवानीपाटना के आसवाग बाध्य भी होचन आसले जितकी प्रकार कष्ट सौभाग्य पड़ुचे जेन गच नाइना के शीतला टिके भी नाइना सब बाटे गच पदर काटी दीचन किसी शीतलार व्यवस्था नहीं करवार केने जल छत्र व्यवस्था नहीं करवार इड़े वसुधा बोल कर काण मैंने खुलीचन सेने भी पानी नहीं मिलवार लोक पूरा हंत सत हो गलन आ धीरे धीरे गरमटा बढ़ी बढ़ी चलीचे निश्चित भाव जो कि कहते जो पानी रो अनेक जो सुविधा रही कथा प्रशासन ए पर्यंत कौन सुविधा करे ना तेना आशा करना निश्चित भाव में फिरोज की जिला प्रशासन से क्षेत्र में पदक्षेप ग्रहण कर आगामी समय जो हिसाब से ताती बढ़ुच्ची दृष्टि रखी लोक सचेतन धन्यवाद देवी फिरोज आपंकर सूचना फेरी मुस्त अच्छा परेशद अजय पात्र अच्छा संक्षेप गोटे लाइन चाहिए डॉक्टर पात्र कि वास्तव में लोक मैं कौन रामर्श आप जहाँ कहते लोके सचेतन हूँ गच काटतु ना और पा जलाशय पानी रखु या छड़ा गोटे लाइन चाहिए आप मतामत जेटा कि माननीय प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास यहाँ रही समस्त दरकार ता छड़ा धड़ा टोपी धड़ा पोशाक नाक बाटे निश्वास प्रश्वास नियंतु पाटीवाट भूल ने ना एवं सब सोरिष तेल व्यवहार करूँ देहरे जहाँद्वारा कि आम निजे जीवाणु मुक्त पाइबा ता छड़ा तापुर आम बहु परिमाण में मुक्ति पाइबा निश्चय आशा से लोक मैंने से क्षेत्र में पदक्षेप ग्रहण करूँ धन्यवाद देवी डॉक्टर पात्र आपंकर सूचना जहाँ कहते लोक मैंने सचेतन हवा दरकार वर्तमान समय कि भाव में आम यराताति निजक सुरक्षित रखिपर कि भाव में आम सचेतन हो पार से क्षेत्र में समस्त तत्पर हवा दरकार कारण जो हिसाब से ताती बढ़ुच्ची निश्चित भाव में आगामी समय जदिओ किसम पूर्व पापा विशेषज्ञ कहते आज दुई तीन दिन हुए तो तापम्रा कम कि एप्रिल एक दुई बेलू 42-43 डिग्री तापम्रा छुईप तेणु आमको सचेतन हवा दरकार और जिला प्रशासन खरा को दृष्टि रखी खूब शीघ्र विभिन्न जिले में प्रतिषेधमूलक पदक्षेप ग्रहण करवा दरकार लोक सचेतन करवा दरकार ताती को नहीं कौन से पदक्षेप ग्रहण करेंगे शेष करुच्छे आज टुडेज बिग न्यूज को नमस्कार।